समवेत शिखरजी जैन तीर्थस्थळाला पर्यटनस्थळ घोषित केल्याने जैन धर्मियांमध्ये नाराजी। कल्याणमध्ये श्री राजस्थान जैन संघाचे तहसीलदारांना निवेदन। झारखंडमधील समवेत शिखरजी जैन धर्मियांचे तीर्थस्थळ असून या स्थळाला केंद्र सरकार आणि झारखंड सरकारने पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केल्याने जैन धर्मियांमध्ये नाराजी पसरली असून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी कल्याणमध्ये श्री राजस्थान जैन संघाच्या वतीने प्रकाश मुथा यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले। झारखंड राज्यात गिरडीह जिल्ह्यात मधुबन गावातील डोंगरावर जैन धर्मियांचे तीर्थस्थळ समवेत शिखरजी आहे। या तीर्थक्षेत्राला केंद्र सरकारने पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केल्याने सकल जैन समाजाकडून संताप व्यक्त केला जातोय। आज कल्याण श्री राजस्थान जैन संघ की तरफ से माननीय तहसीलदार साहब को एक निवेदन दिया है। निवेदन इसलिए दिया है कि झारखंड राज्य के अंदर हमारा जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थान समेत सीकर है और केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है। हमारा विरोध इसलिए है कि ऑल इंडिया के अंदर हमारे जैन समाज के अनेक संगठन हैं, किसी को विश्वास में नहीं लिया, किसी के साथ किसी प्रकार की मीटिंग नहीं की गई और उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित करने से हमारे जैनियों की जो स्वतंत्रता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, हमारे संविधान के अंदर अधिकार दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता, उसको ठेस पहुंच रही है। हम जब सैनिक समाज के लोग सुबह उठते हैं तो एक विशेष प्रकार की ड्रेस परिधान करके पूजा और अर्चना के लिए जाते हैं और विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। हमको पर्यटक क्षेत्र घोषित करने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी जो धार्मिक विधि है वो सब उससे डिस्टर्ब होगी, क्योंकि लोगों को धार्मिक विधि मालूम नहीं होती, किस ढंग से पूजा की जाती है, किस ढंग से आरती की जाती है, किस प्रकार से मंगल दीवा का एक प्रकार होता है वो किया जाता है, लोगों को मालूम नहीं होना। कोई भी कैसे भी पान खा के जाएंगे, गुटखा खा के जाएंगा, सुपारी खाते जाएंगा, चॉकलेट खाते जाएंगा, तो हमारी जो विशेष जो तौर तरीका पूजा का है उसको ठेस पहुंचेगी। इसे हमारे जैन समाज बहुत दुखी हुआ है और हमने माननीय तहसीलदार साहब को ये निवेदन दिया है कि हमारे कल्याण श्री राजस्थान जैन संघ की जो भावना है वो आप झारखंड सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और हम आपके इस कार्य का जाहिर निषेध करते हैं और ये काला कानून जो आपने बनाया है वो वापस लेना चाहिए। इसलिए आज कल्याण के तहसीलदार साहब को हमने निवेदन दिया। आपका हमारा ये आंदोलन और मोर्चा हमारे जैन समाज के जो संगठन हैं वो हर गांव के अंदर हैं और हर गांव के अंदर हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान में भी नहीं, जो हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं, विदेशों में भी हमारा संगठन है। सभी जगह इस प्रकार का निवेदन, मोर्चा, धरना ये किया जाएगा, लेकिन आज फिलहाल हम सब निवेदन ही दे रहे हैं। समवेत शिखरजी हे पवित्र तीर्थक्षेत्र असल्याचे सांगत जैन समाजातील बांधवांकडून निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे। या निर्णयाच्या विरोधात अनेक राज्यात आंदोलन होत असून याचे लोण आता महाराष्ट्रात देखील पोहोचले आहे। कल्याणमध्ये जैन बांधवांनी तहसीलदारांना निवेदन देत निषेध नोंदवला आहे। जैन समाजात पूजा आराधना करण्याची विशिष्ट पद्धत असून एक विशिष्ट प्रकारची वेशभूषा असते, ती परिधान करूनच मंदिरात प्रवेश केला जातो। मूर्तीच्या मूळ गाभाऱ्याला सार्वजनिक पर्यटन स्थळ घोषित केल्याने समवेत शिखरजी तीर्थाची पूजा आणि आराधना विधिवत होणार नाही, ज्यामुळे या तीर्थस्थळाचे पवित्र्य राखले जाणार नाही अशी जैन धर्मियांची भावना असून कल्याणमधील श्री राजस्थान जैन संघ केंद्र सरकार आणि झारखंड सरकारचा विरोध करत असल्याची माहिती प्रकाश मुथा यांनी यावेळी दिली। यावेळी मोठ्या संख्येने जैन धर्मीय उपस्थित होते। शहरी वार्ता, योगेश गोडे, कल्याण।